जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बबीना चौराहे पर एक लोडिंग गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस महिला को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि सुषमा अहिरवार नामक महिला मोटरसाइकिल पर सवार होकर बडौरा से बबीना की ओर जा रही थी। जब वह बबीना चौराहे पर पहुंची, तभी एक लोडिंग गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर लहराते हुए तमंचे का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें दबंग तमंचे को लहराते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो मऊरानीपुर के लहचूरा के एक गांव का है। इसमें गांव का दबंग तमंचे पर डांस करते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार दबंग अपने साथियों के साथ मिलकर गांव में जुए और सट्टे का कारोबार करता है। बताया गया है कि जब इनका एक साथी जुए में लाखों रुपए जीत गया, तो डीजे को बुलाकर एक पार्टी मनाई गई। इसमें दबंग ने डांस करते हुए अपना देसी कट्टा निकाल लिया और डांस करने लगा। कुछ लोगों ने दबंगों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मैरी में एक दबंग द्वारा एक वृद्ध की मोटरसाइकिल रोकने के बाद पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण ली है। ग्राम मैरी में रहने वाले शुगर सिंह यादव ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गत दिवस वह बाजार से मोटरसाइकिल से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही एक दबंग ने अपने घर के सामने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना उसने बजरंग पुलिस चौकी में दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। मंडल आयुक्त न्यायालय के पेशकार पर आरोप लगाते हुए आज पीड़ितों ने मंडल आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। इस मामले को लेकर शहर क्षेत्र के मुकरियाना में रहने वाले इमरान खान तथा इकरार खान ने मंडल आयुक्त को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनका एक मुकदमा मंडल आयुक्त न्यायालय में चल रहा है। इस मुकदमे में विपक्षियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने स्टे भी ले रखा था, लेकिन न्यायालय के पेशकार ने विपक्षियों से साठगांठ करके उनका स्टे खारिज कर दिया और उन पर लिखित बहस के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रार्थना पत्र में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार की गई है। रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसई में आयोजित एक शादी समारोह में खाना खाने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मामले को लेकर एक पक्ष ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोपियों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। इस मामले में ग्राम बदनपुर में रहने वाले मिलन कुमार ने थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गत दिवस वह ग्राम बसई में इमरत राजपूत की लड़की की शादी समारोह में शामिल होने गया था। जब सभी खाना खा रहे थे, तभी ग्राम बदनपुर के कुछ दबंगों ने उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। राजीव गांधी ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किए गए डॉक्टर संदीप सरावगी का झांसी आगमन पर स्वागत किया गया। नामदेव समाज झांसी द्वारा डॉक्टर संदीप सरावगी को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किए जाने पर नामदेव समाज झांसी व व्यापारियों ने नगर आगमन पर उनका अभिवादन किया। पिछले महीने में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर आउट हुआ था। पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके कई टीमें बनाई गयी। टीमों के द्वारा मुख्य आरोपी के सहित 32 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 24 घंटे के अंदर यह केस वर्कआउट हुआ। उसी उपलक्ष में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश पांडे, झांसी मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे, डीआईजी जोगेंद्र कुमार के द्वारा जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीना एवं पूरी टीम को 1,00,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। श्री बजरंग प्राइवेट आईटीआई झांसी के तत्वाधान में आज लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज बड़ा गांव गेट बाहर झांसी में डॉक्टर संदीप सरावगी के मुख्य अतिथि में एवं क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के चित्र पर तिलक लगाकर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित किया गया। अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया।
लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज के छात्रों को श्री योगी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68 बच्चों को फ्री लैपटॉप वितरित किए गए। इस अवसर पर विशाल गुप्ता, चंद्रशेखर प्रजापति और कई सारे लोग उपस्थित रहे।